गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास वन में ऑनलाइन क्लास में विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान में पार्ट 10 पढ़ेंगे और इसको हम लोग किताब के द्वारा पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पाठ 10, हमारा ब्रह्मांड, तारे, सूरज, चंद्रमा। सोचो जानो, आसमान में तारे, सूरज तथा चंद्रमा है। बच्चों, आसमान में क्या क्या है? तारे, सूरज तथा चंद्रमा। सूरज प्रातः पूरब में निकलता है। कहाँ निकलता है बच्चों सूरज? प्रातः पूरब में। पश्चिम दिशा में छिपता है। और किस दिशा में छिपता है? पश्चिम दिशा में। यह गर्म तथा बड़ा है। सूरज गर्म तथा बड़ा है। सूरज से प्रकाश तथा ताप मिलता है। बच्चों, हमें सूरज से क्या मिलता है? प्रकाश तथा ताप मिलता है। सूरज के उगने पर दिन होता है। सूरज के उगने पर दिन होता है। सूरज के छिपने पर रात होती है। बच्चों, सूरज के छिपने पर रात होती है। रात को आसमान में बहुत से तारे दिखाई देते हैं। आप लोग देखे हैं, आसमान में बहुत से तारे दिखाई देते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्या तुम तारे गिन सकते हो? ध्रुव तारा सबसे अधिक चमकीला है। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। चंद्रमा रात को निकलता है। चंद्रमा कब निकलता है बच्चों? रात को। इसके प्रकाश को चांदनी कहते हैं। क्या कहते हैं? चांदनी। इसका आकार प्रतिदिन बदलता है। इसमें प्रकाश कहाँ से आता है? तो बच्चे, हम लोग आगे समझेंगे और याद करेंगे। सुबह सूरज पूरब में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है सूरज? पूरब में। सुबह सूरज कम गर्म होता है। यह दिन में यह गर्म और चमकदार हो जाता है। कैसा हो जाता है? गर्म और चमकदार। सूरज का आकार बहुत बड़ा होता है। सूरज का आकार कैसा होता है बच्चों? बहुत बड़ा। सूरज भी एक तारा है। सूरज क्या है? एक तारा है। शाम होने पर सूरज छिप जाता है। कब सूरज छिप जाता है बच्चों? शाम होने पर। आसमान में चंद्रमा, तारे चमकते हैं। कौन कौन चमकते हैं आसमान में? चंद्रमा और तारे। चंद्रमा सूर्य के से प्रकाश लेकर चमकता है। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है बच्चों? सूर्य के प्रकाश से। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। यह प्रतिदिन छोटा होकर अमावस्या की रात को दिखाई नहीं देता है। तारे सूरज से बहुत बहुत दूर हैं। बच्चों, तारे सूरज से बहुत बहुत दूर हैं। तो बच्चों, इसको आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। बच्चों, आज हम लोग पार्ट 10 का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द खाली जगह में भरो। शब्द दिया है सुबह, अमावस्या, ध्रुव, प्रकाश, तारे, टिमटिमाते। बच्चों, इन शब्दों को वाक्य में भरना है। गौर है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रकाश। है आसमान में बहुत से तारे हैं। क्या है बच्चे? तारे बनना है। गौर है, खाली जगह है, उसमें भरेंगे सुबह। सूरज कम गर्म होता है। घर है, खाली जगह भरने वाला है। ध्रुव भरेंगे, तारा सबसे अधिक चमकीला है। अंदर है चंद्रमा, खाली जगह है। अमावस्या की रात को नहीं दिखाई देता है।
च है तारे भरना है डब्बे में टिन फिमाते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों में सही के आगे सही और गलत के आगे गलत लगाओ। क है सूरज पूरब दिशा में छिपता है। बच्चों ये वाक्य गलत है, गलत बना हुआ है। ख तारे रात में नहीं चमकते हैं, तो ये वाक्य गलत है। ग है चंद्रमा से गर्मी नहीं मिलती है, ये वाक्य बच्चों सही है। ख है पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, तो बच्चों हम लोग इसमें सही लगाएंगे क्योंकि वाक्य सही है। अंग है सूर्य आकार में बहुत बड़ा है, तो ये वाक्य सही है, तो सही लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, सूरज से हमें क्या मिलता है? इसका उत्तर है बच्चों, सूरज से हमें प्रकाश तथा ताप मिलता है। चौथा प्रश्न है, सूरज किस दिशा में निकलता और किस दिशा में छिपता है? इसका उत्तर है बच्चों, सूरज पूरब दिशा में निकलता और पश्चिम दिशा में छिपता है। पांचवा नंबर है, क्या चंद्रमा का आकार हमेशा एक जैसा रहता है? इसका उत्तर बच्चों, चंद्रमा का आकार हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो बच्चों आप लोग इस पाठ को कॉपी में अपने खाली जगह सही गलत और प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर कॉपी में लिखेंगे और किताब में भी भरेंगे।